हेलो फ्रेंड्स, आजकल सिम स्वैपिंग की घटनाएं बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अभी जो मुंबई का न्यूज़ आपने सुना होगा कि एक व्यापारी जिनका 1,86,00,000 रुपए सिम स्वैपिंग के द्वारा यानी ऑनलाइन फ्रॉड के द्वारा ही निकाल लिए गए। ठहरिए, अगर आप ये सोचते हैं कि ये बड़े व्यापारियों के लिए है तो ऐसा नहीं है। इसमें 30,000 से लेकर अभी तक के जो मामले देखे हैं कि 30,000 से लेकर 1,86,00,000 तक रुपये ऑनलाइन फ्रॉडिंग हुआ है। तो अब सवाल है कि ये सिम स्वैपिंग होता क्या है, ये कैसे किया जाता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, और अगर ये हमारे साथ हो जाता है तो हम वो कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं। अगर इन तमाम क्वेश्चन की जानकारी आपको चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आप इस तरह के फ्रॉड से बचाना चाहते हैं, और इस वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि सिम स्वैपिंग होता क्या है। सिम स्वैपिंग वो होता है जिसमें कि आपका जो नंबर है उसका एक डुप्लीकेट सिम बना लिया जाता है, यानी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेकर के आपका जो है जो सिम है उसका डुप्लीकेट तैयार कर लिया जाता है, और फिर जो ओटीपी आप तक पहुंचना चाहिए वो ओटीपी उस डुप्लीकेट सिम के पास सिम पर जाता है, यानी उस हैकर के पास जाता है, और फिर वो आपकी तमाम जो भी जानकारी है, जानकारी क्या मतलब कि आपके जो बैंक के पास पैसे हैं वो तमाम पैसे निकाल लेते हैं। तो अब दूसरा सवाल है कि सिम स्वैपिंग कैसे करते हैं। वैसे तो हैकर्स के पास इसके और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर अभी जो हाल फिलहाल में तो सबसे ज़्यादा चलने वाला जो खेल है वो है फ़ोन कॉलिंग और MNP। आइए एक एक करके समझते हैं कि फ़ोन कॉलिंग के द्वारा सिम स्वैपिंग कैसे किया जाता है। फ़ोन कॉलिंग में आपके पास एक कॉल आएगा और वो बोलेगा कि मैं मोबाइल कंपनी से बोल रहा हूँ जिसमें आपके एरिया में जो नेटवर्क है उस पे काम चल रहा है, और कुछ घंटों के लिए आपका जो मोबाइल नेटवर्क है वो बाधित हो सकता है, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। जैसे ही आपका जो मोबाइल नेटवर्क है अच्छा हो जाएगा तो आपको अपने नज़दीकी आउटलेट पर जाना है और वहाँ से अपने सिम को अपग्रेड करा लेना है। जैसे ही आपका सिम अपग्रेड हो जाएगा आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क आने लगेगा। या फिर दूसरा तरीका है कि आप अभी जो आपके सिम का जो 20 उसमें जो सिम पे नंबर है यानी जो 20 अंकों का नंबर होता है वो आप हमें अभी बता दीजिए ताकि हम उसको अपडेशन पे डाल दें, और जैसे ही आप हमारा ये काम प्रोसेस पूरा होगा आपका सिम ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर लिया जाएगा। और लोग क्या करते हैं, वो जो नंबर है जो सिम का पर्सनल नंबर है सिम का जो नंबर है वो उसको दे देते हैं। जैसे ही उसके पास वो नंबर जाता है फिर वो जो ऑनलाइन फ्रॉडिंग का पूरा काम स्टार्ट हो जाता है। एक तो ये तरीका है, दूसरा है MNP यानी मोबाइल पोर्टेबिलिटी। जैसे कि आप मोबाइल नंबर को पोर्टेबिलिटी यानी एक ऑपरेटर से जैसे ही दूसरे ऑपरेटर में जाने के लिए आप स्विच करते हैं कि हाँ इस नंबर से नहीं अब हमें दूसरे में जाना है, तो उस दरमियान आप एक नया नंबर देते हैं जो SMS देते हैं कि इस नंबर पे SMS आएगा, वो SMS आप तक ना पहुंच करके वो उस हैकर्स के पास चला जाता है, और यहाँ से भी आपका जो है सिम स्वैपिंग यानी ऑनलाइन फ्रॉड का काम स्टार्ट होता है। अब सवाल है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको सबसे पहला है कि आपको अपना जो पर्सनल डेटा है वो कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं डालने हैं। लोग क्या करते हैं, आजकल आपको तो पता ही है कि सोशल मीडिया का किस तरह से यूज हो रहा है, वहाँ पे पर्सनल डेटा डाल देते हैं जहाँ से ये जो हैकर्स हैं वो डेटा को निकाल करके आपके सिम का क्लोन तैयार करके डुप्लीकेट सिम तैयार कर लेते हैं। क्योंकि जो नंबर मोबाइल ऑपरेटर हैं वो ठीक से हो सकता है कि उसको चेक ना करें, जो आपका पर्सनल डेटा है वो वहाँ से हैकर्स ने निकाल तो लिया, और जैसे ही निकाल करके वहाँ पे लेके जाते हैं वो डुप्लीकेट साइन कर देते हैं और उसके बाद उससे निकाल लेते हैं, और
उसके पास जो मोबाइल ऑपरेटर है या तो उसके पास उतनी जानकारी होती नहीं है या फिर उस केयरफुली के साथ वो देखते नहीं हैं जिससे कि वो डुप्लीकेट सिम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि आपके नंबर को हैक कर लेते हैं, उसके बाद आपके नंबर पे जो नेटवर्क है वो ब्लॉक कर देते हैं और जो OTP है आपके पास ना आ करके उनके पास चला जाता है। अब सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो नंबर है वो सिम स्वैपिंग में चला गया है, यानी सिम स्वैपिंग के लिए हैक कर लिया गया है। तो सबसे पहली बात है कि आपका जो मोबाइल नेटवर्क है वो गायब हो जाएगा। आपके पास कुछ एक पर्टिकुलर नंबर से बार बार मिस्ड कॉल आएंगे और उसके बाद जो आपका मोबाइल नेटवर्क है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही आपका मोबाइल नेटवर्क ख़त्म होता है आपके दिमाग में शक पैदा होना चाहिए कि हो सकता है कि हमारा सिम स्वैपिंग में चला गया है। तो करें क्या, सबसे पहले आप अपने मोबाइल ऑपरेटर को कॉल करें और उनको बताएं कि हमारा जो नेटवर्क है वो गायब हो गया है, क्या ये आपके तरफ से प्रॉब्लम है या सिर्फ ये मेरे नंबर पे चल रहा है। आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया का नेटवर्क तो ठीक है, इट मीन्स आपका जो सिम है स्वैप हो गया है। तो अब क्या करें, आपको करना क्या है कि इसके लिए आपको सबसे पहले जो आपके पास टोल फ्री नंबर है उस पे, किसका, जो बैंक का टोल फ्री नंबर है उस पे कॉल करना है और अपने अकाउंट को ब्लॉक कराना है ताकि जो वहाँ से मिसलीडिंग हो वो ना हो सके। दूसरा, आपको अपने मोबाइल ऑपरेटर को ही बताना है कि आपका सिम स्वैप हो चुका है ताकि वो आपके नंबर को बंद कर दे और फिर आप अपने जो भी वोटर है, जो भी आपका कार्ड है, आईडी है, वो उसके आउटलेट पर जाएं और फिर एक उसी नंबर का दूसरा सिम ले लें और जो गलत नंबर उस हैकर्स ने इस सिम का बनाया है, जो डुप्लीकेट बनाया है, उसे बंद करवा दें और एक नया सिम आप तैयार कर लें, नया सिम ले लें। तीसरी बात है कि आप अपने लोकल थाने में जाएं, उनको बताएं, साइबर सेल को बताएं और अगर इसके बावजूद अगर ये कोई काम नहीं करे तो आपको उपभोक्ता फोरम में भी जाना चाहिए क्योंकि उसके नोटिस से ये बैंक वाले भी जगेंगे, ये थाना भी जगेगा और उस पे कार्रवाई होगी। तो सवाल है कि ये जो सिम स्वैपिंग, अब हमें लगता है कि आपको ये सिम स्वैपिंग समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको थोड़ी सी भी इससे अवेयरनेस मिली है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचाने वाला हूं। थैंक यू सो मच।